हे एवरी वन वेलकम टू माई चैनल रेप्लिका वर्ल्ड आज हम पढ़ने वाले हैं टेरिडो फाइट्स जो किंगडम प्लांट का थर्ड ग्रुप है तो चलिए शुरू करते हैं टर्म तो टेरिडो फाइट्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था हैकिल ने 1866 में टेरिडो फाइट्स में दो टाइप के प्लांट्स आते हैं हॉस्टेल्स और फोन टेरिडो फाइट्स फ्लावरलेस सीडलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग बेस्कुलर प्लांट्स हैं यानी कि ना तो इनके पास फ्लावर्स होते हैं ना सीड होते हैं पर स्पोर्स होते हैं और ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं क्योंकि इनके पास जाइलम और फ्लोयम भी होते हैं ये इंटरमीडिएट पोजीशन में होते हैं बिटवीन ब्रायोफाइट्स और जिम्नो और एनजियोस्पम्स यानी कि ब्रायोफाइट से तो ये एडवांस होते हैं पर जिम्नो और एंजियोस्पर्म से ये प्रिमेटिव होते हैं इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोला जाता है रीजन ये है कि वेस्कुलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास जाइलम और फ्लोयम होते हैं और क्रिप्टोगैम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास सीड नहीं होते तो वो प्लांट्स जिनके पास सीड नहीं होते उनको क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है अब बात करते हैं इनके हैबिटेट की तो ये मोस्टली टेरेस्टियल होते हैं और प्रेफर करते हैं शेडी हैबिटेट में रहना शेडी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे सनलाइट थोड़ी कम ही पड़ती हो पर कुछ स्पीशीज होती हैं स्लेजिनेला की और एडिएंटम की जो जीरो फाइट्स हो एक्रोस्टाइकम ओरियम भी एक ऐसा प्लांट है जो कि हेलो होता है कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि स्लेजिनेला औरिगाना लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम और कुछ फर्ज हैं जो कि एपिफाइट्स भी होते हैं मार्सीलिया जो है वो टेरेस्टियल भी है एम्फीबियस भी है और एक्वेटिक प्लांट भी है यानी कि मार्सीलिया एक ऐसा प्लांट है जो आपको टेरेस्टियल यानी लैंड पर भी मिल जाएगा एम्फीबियस भी हो सकता है यानी कि जो लैंड पर मिले और अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड करे या हो सकता है कि प्योरली एक्वेटिक भी हो सेल्विनिया अजोला और सीरेटो टेरिस ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि ट्रूली एक्वेटिक फर्नस होते हैं तो इससे हमें ये बात पता चलती है भले ही टेरिडोफाइट्स मोस्टली टेरेस्टियल होते हों पर बहुत सारा वेरिएशन है हेबिटेट में भी यानी कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि जीरो फाइट हैं कुछ ऐसी हैं कि जो एक्वेटिक हैं तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है अब बात करते हैं प्लांट बॉडी की जो मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की वो इंडिपेंडेंट होती है और वो स्पोरोफाइट होती है यानी कि मेन प्लांट बॉडी एक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है जब हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था तो हमें यह बात पता चली थी कि जो उनकी प्लांट बॉडी होती है वो गेमिटोफिटिक होती है और गैमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जो बॉडी होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है एक दूसरे से यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और एक साथ पाए जाते हैं ज़्यादातर स्पीशीज़ में पर यहाँ पर क्या है टेरिडोफाइट्स में कि इंडिपेंडेंट भी है और मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है ये जो प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की इसके पास ट्रू रूट्स भी होती हैं लीव्स भी होती हैं और स्टेम्स भी होती हैं जबकि ब्रायोफाइट्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था अब बात करते हैं प्राइमरी रूट की तो जो इनकी प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और फिर वो रिप्लेस हो जाती है एडवेंटिशियस रूट से यानी स्टार्टिंग में जो इनकी रूट होती है वो नॉर्मल रूट होती है पर वो शॉर्ट लिव्ड होती है और फिर धीरे धीरे वो रिप्लेस हो जाती है एडवेंटिशियस रूट से जो इनकी रूट होती है उस पर एक परमानेंट ग्रोइंग एपेक्स होता है जो इनकी स्टेम होती है ना वो हर्बेशियस होती है यानी थोड़ी सॉफ्ट होती है और ब्रांचेज होती हैं उस पर पर कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं यानी कुछ ऐसे फर्न होते हैं जो कि वुडी स्टेम होती है इनकी लीव्स होती हैं वो स्मॉल भी हो सकती है यानी माइक्रोफिलस उनको बोला जाता है जैसे कि लाइकोपोडियम की होती हैं लाइकोपोडियम एक एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट का यानी कि एक टेरिडोफाइट प्लांट है मैक्रोफिलस भी हो सकती है यानी कि बड़ी भी हो सकती हैं लीव्स जैसे कि टेरिडियम और टेरिस में होती हैं अब जितने भी इन प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वेजिटेटिव का मतलब है कि सेक्स ऑर्गन को छोड़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो स्टील की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं जो इनका स्पोरोफाइट होता है उसमें स्पोरेंजिया होते हैं जो कि आगे एक्सटेंड होते हैं लीफ लाइक अपेंडेजिस की फॉर्म में उनको स्पोरोफिल बोला जाता है यानी कि स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होते हैं और स्पोरेंजिया फिर आगे बढ़कर बनते हैं लीप जैसा स्ट्रक्चर उनको स्पोरोफिल बोला जाता है अब स्पोरोफिल कुछ केसेस में बहुत कॉम्पैक्ट भी हो सकता है और कौन लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है कौन तो आपने देखा ही होगा जैसे भुट्टा होता है ना उसी तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है तो ऐसे कुछ एग्जांपल हैं स्लेजिनेला और इक्विसेटम तो स्लेजिनेला और इक्विसेटम में जो स्पोरोफाइल्स होते हैं वो कॉर्न या स्ट्रॉबेलाई के शेप के होते हैं स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय इन स्पोर मदर सेल तो बेसिक फंडा ये है कि मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होता है और स्पोरेंजिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर्स किस में हेल्प करते हैं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर्स असेक्शुअल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और ये जनरेट करते हैं एक नया गेमिटोफाइट अब बात कर लेते हैं स्पोर्स के बारे में ये जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं ये होमोस्पोरस भी हो सकते हैं होमोस्पोरस से मतलब है कि एक टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे कि लाइकोपोडियम और टेरिडियम ये हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं यानी दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं छोटे वाले जो स्पोर्स होंगे उनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स और जो लार्जर होंगे उनको बोला जाएगा मेगा स्पोर्स इसके एग्जाम्पल हैं स्लेजिनेला और मार्सेलिया अब होगा ये कि जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं अब वो जर्मिनेट हो जाएंगे मैंने आपको बोला था कि ये स्पोर्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो यहाँ पे गैमेट का कोई चक्कर नहीं है और जहाँ पे गैमेट्स ना हो कि यूनियन ना हो वहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं सकता है तो होगा ये कि ये स्पोर्ट्स जर्मिनेट हो जाएंगे और जर्मिनेट करके ये एक मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक गैमिटोफाइट बनाएंगे और टेरिडोफाइट के, के केस में इस गेमिटोफाइट को बोला जाता है प्रोथेलस तो स्पोरोफाइट के स्पोर्स ने प्रोड्यूस किया गेमिटोफाइट जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बाइसेक्सुअल गेमिटोफाइट्स बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही गेमिटोफाइट पे या एक ही प्लांट पे होंगे तो जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं यानी कि जो एक ही टाइप के स्पोर बना रहे थे तो वो गेमिटोफाइट भी ऐसा ही जनरेट करेंगे कि उस पर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर बनेगा और अगर हम बात करें हेट्रोस्पोरस की तो जो प्लांट्स हेट्रोस्पोरस थे वो ऐसा गेमिटोफाइट बनाएंगे कि जो मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल गेमिटोफाइट को जनरेट करेंगे और जो मेगा स्पोर होते हैं वो फीमेल गेमिटोफाइट को जनरेट करेंगे अब बात करते हैं गेमिटोफाइट की तो जो गेमिटोफाइट होता है उस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं अगर फीमेल गेमिटोफाइट होगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा मेल गेमिटोफाइट होगा तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा तो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्चिगोनिया बोलते हैं अब जो फीमेल गैमिटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट पर बहुत दिनों तक रहता है ये डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज अब ये तो बात हुई गैमिटोफाइट की अब हम ये देखते हैं कि कैसे गैमेट्स होते हैं और कैसे गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो जो हमारा मेल गैमेट होता है उसको बोला जाता है एंथेरोजोआइड्स तो एंथेरोजोइड जो होता है वो मेल गैमेट होता है अब यहाँ पे बात ये होती है कि टेरिडोफाइट्स को वाटर की ज़रूरत पड़ती है अपने रिप्रोडक्शन के लिए यानी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो वाटर की हेल्प से एंथेरोजोइड यानी कि मेल गैमेट पहुँचेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन तक फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो है आर्चिगोनियम तो अब आर्चिगोनियम तक ये पहुंचेगा और यहाँ पर मेल गैमेट जाकर फ्यूज़ कर जाएगा फीमेल गैमेट से और बन जाएगा जाइगोट अब जैसे ही जाइगोट बनेगा तो जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में चेंज होगा और फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे डिवाइड करके चेंज हो जाएगा एक मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट में जो कि एक डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का सिंपल फंडा ये है टेरिडोफाइट्स का कि हमारे पास पहले एक स्पोरोफाइट होता है जो कि मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की तो ये जो स्पोरोफाइट होता है इसके पास एक स्पोरेंजिया होता है जहाँ पर ये स्पोर्स बनाता है जो स्पोर्स होते हैं वो होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं होमो मतलब एक ही टाइप के स्पोर और हेटरो मतलब दोनों टाइप के स्पोर अब क्या होता है ये जो स्पोर होते हैं ये डेवलप होते हैं केमेटोफाइट में जो छोटे वाला स्पोर होता है यानी माइक्रोस्पोर वो डेवलप होता है मेल केमेटोफाइट में और जो मेगा स्पोर होता है वो डेवलप होता है फीमेल कैमिटोफाइट में ऐसे स्पीशीज़ जो एक ही टाइप के स्पोर्स डेवलप करते हैं उनमें एक ही केमिटोफाइट में दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इतना हो गया तो ये बन गया हमारा गेमिटोफाइट अब जो गेमिटोफाइट है उनके पास गैमेट्स हैं अब ये जो गैमेट्स हैं ये वाटर की हेल्प से एक दूसरे से फ्यूज़ करेंगे फ्यूज़ करने के बाद बनाएंगे जयगॉट जायकॉड से बनेगा एम्ब्रियो और फिर एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाएगा एक बहुत ही डिफरेंशिएटेड और वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट में यानी कि गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट को जनरेट करता है और स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट को जनरेट करता है तो ये है इसकी लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स में जायगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर ही होता है इस इवेंट को प्रीकर्सर माना जाता है सीड हैबिट का कहने का मतलब ये है कि टेरिडोफाइट्स में सीड का डेवलपमेंट नहीं होता है पर यहाँ पर जायगोड का डेवलपमेंट फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही होता है तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि एनजियोस्पम और जिम्नोस्पम में जायगोड का डेवलपमेंट फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर होता है और उसके बाद सीड फॉर्मेशन होता है तो इससे ये बात पता चलती है कि टेरिडोफाइट से ही इवॉल्व होकर जिम्नोस्पम्स और एनजियोस्पम्स बने हैं इसलिए इसको प्रीकर्सर बोला गया है अब जो टेरिडोफाइट्स हैं फर्दर उनको चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है पहली क्लास है सिलोपसिडा जिसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिलोटम दूसरी क्लास है लाइकोपसीडा जिसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम तीसरी क्लास है सिफेनोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम चौथी क्लास है टेरोप्सिडा जिसके एग्जाम्पल है ड्रायोटेरिस टेरिस और एडियनटम अगर बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तो बहुत सारे ऐसे फर्न्स होते हैं जिनकी ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टी की वजह से उनको गार्डन्स में उगाया जाता है क्योंकि वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं इसलिए लोग उन्हें अपने गार्डन्स में उगा लेते हैं इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम की कुछ स्पीशीज़ और स्लेजिनेला अब टेरिडोफाइट्स को मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है जो ड्राइप होता है उसकी राइजोम और पेटियोल को एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम को भी स्किन डिजीज में एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है स्पोरोकार्प ऑफ मार्सीलिया आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च यूज्ड बाय ट्राइबल एज फूड जो स्पोरोकार्प होते हैं मार्सीलिया के उनको एज अ फूड यूज़ करते हैं ट्राइब्स में इसलिए क्योंकि वो स्टार्च रिच होते हैं तो इस तरीके से हमारा जो टेरिडोफाइट ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाता है आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें